प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। महामहिम रामनाथ कोविंद कानपुर के दौरे पर हैं। चौधरी हरमोहन सिंह यादव के जन्म शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि चौधरी हरमोहन ने अपनी जान की परवाह न करते हुए 1984 के दंगों में सिखों की जान बचाई थी। 1991 उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। आजादी का अमृत महोत्सव भी इसीलिए मनाया जा रहा है कि स्वतंत्रता की लड़ाई के गुमनाम सेनानियों का शौर्य याद किया जा सके। चौधरी हरमोहन को याद करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि पहले चौधरी का पुरवा था, यानी वहां सीमित संख्या में लोग थे, लेकिन अब वो पुरवा टाउनशिप बन गया है। इसके लिए मैं हरमोहन सिंह के परिवार को बधाई देता हूँ। हरमोहन जी के जन्म शताब्दी समारोह के बारे में मुझे सुखराम यादव ने बताया, उन्होंने ही मुझे आमंत्रित किया है। श्री हरमोहन सिंह यादव जी के जन्म शताब्दी समारोह के संबंध में मुझे कई महीने पहले श्री सुखराम सिंह यादव जी दिल्ली में मुझे मिले। उन्होंने चौधरी हरमोहन सिंह यादव जन कल्याण समिति द्वारा किए जा रहे गरीब हितैषी कार्यों के बारे में मुझे बताया और इस समारोह में आने के लिए आमंत्रित भी किया। मैं श्री हरमोहन सिंह जी की सादगी, उनके समाज सुधार संबंधी विचारों और कार्यों से भलीभांति परिचित रहा। ये मेरा सौभाग्य था कि राज्यसभा में हम दोनों एक अंतराल के समय में साथ साथ थे और मैंने उनको नज़दीकी से देखा और इसीलिए मुझे लगा कि जिस व्यक्ति ने सार्वजनिक जीवन में शुचिता, ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम किया है और यदि उनसे जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम होता है तो मुझे उसमें जाना चाहिए। और फिर ये कानपुर की बात है तो एक कानपुर की जब बात आती है तो एक परिवार की बात आ जाती है और इसलिए मैंने यहाँ आना स्वीकार किया। लेकिन यहाँ पर आकर के मैंने देखा, पहले भी कभी जब मैं सांसद हुआ करता था तो इस गांव से निकल करके एक दो जगह जाना हुआ तो देखा था विकसित क्षेत्र का विकास जितना हो सकता है यहाँ की परंपराओं और यहाँ की अनुकूलताओं के आधार पर बहुत कुछ किया गया। लेकिन जिस श्रृंखला का उल्लेख किया गया उससे मैं आज बहुत प्रभावित हूँ। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।